हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ अफोर्डेबल मेकअप। जी हाँ, आप किस तरह से अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप कर सकते हैं, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एल्प गुडनेस का टोनर, और जो कि काफ़ी अफोर्डेबल टोनर में से है। सबसे अफोर्डेबल अगर आपको टोनर चाहिए तो आपको जो है एल्प गुडनेस का मिल जाएगा, और उससे मैंने उसको अपने फेस पे लगा लिया। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल सीरम, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है गाइस। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और देखना आप कितनी जल्दी ये मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा अगर आप बहुत जल्दी में मेकअप करना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का विट जम्स नाइट क्रीम, नर्सिंग नाइट क्रीम, और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और आपने मुझे अधिकतर वीडियो में ये क्रीम लगाते हुए देखा होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत अफोर्डेबल भी है। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का प्राइमर लगा रही हूँ, जो कि अगेन अफोर्डेबल प्राइस में आता है, और ये आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उनको ब्लर आउट कर देता है। तो इसको आपको कुछ इस तरह से लगाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी लिप बाम, जो कि अगेन ब्लू हेवन का है, और इससे मैं अपने लिप को हाइड्रेट कर दूंगी। यहाँ पे मेरा स्किन केयर हो गया है कम्प्लीट। अब बढ़ते हैं मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी लैक्मी 925 सीसी क्रीम, और जैसा कि आपको ट्यूब देख के पता ही चल गया होगा काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ गुड वाइब्स का आलमंड ऑयल, क्योंकि विंटर का सीजन है और थोड़ा सा मुझे क्या ग्लोई मेकअप ज़्यादा पसंद है। तो कम समय में आप ग्लोई डूई मेकअप कैसे कर सकते हैं बिना ब्रश के, बिना स्पंज के? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको डॉट डॉट करके लगा लिया है क्रीम को, फेशियल ऑयल उसके अंदर ऐड करते हुए, और उसको अपने फिंगर से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया, कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, ईजिली आपके यहाँ फिंगर से ब्लेंड हो जाएगा। और कुछ इस तरह से करना है आपको, ये ईजिली आपके फिंगर से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मेरा बेस हो गया है कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी लैक्मी एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट, जो कि अगेन अफोर्डेबल प्राइस में आता है, और इसको मैं डैब डैब करके लगा लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। इसके बाद वापस मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ट्विन इन वन आईलाइनर ले रही हूँ, जिसमें आपको ट्विन वन मिलता है, जिसमें आपको आईलाइनर एंड आईब्रो फिल करने का पाउडर मिलता है प्रोमेड, और मैं उसी से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, और ये स्पूली भी उसी के साथ उसी आईलाइनर के साथ मिला हुआ है, जो ट्विन वन आईलाइनर है स्विस ब्यूटी का, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पड़ता है, और ट्विन वन है। इसमें आपको आईब्रो फिल करने का एंड आईलाइनर का दोनों का मिल जाता है, साथ में ये स्पूली भी मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इन सारे प्रोडक्ट को का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों आईब्रो हो गए डन। इसके बाद यहाँ पर मैं NYB का कलर करेक्टर कंटूर यूज़ कर रही हूँ, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है गाइज। आई थिंक आपको ये 100 के अंदर में ही मिल जाएगा, और इससे मैं अपने चीक एरिया, चिन एरिया, नोज़ एरिया, लिप एरिया सबको कंटूर कर दूंगी, और अगेन इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। आप देखिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपने नोटिस किया मैंने कोई ब्रश, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अफोर्डेबल मेकअप बता रही हूँ, और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अफोर्डेबल चीज़ों से, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है ब्रश और ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। और काफ़ी अच्छे से ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी कंटूर है ना, तो ईज़िली जो है ब्लेंड हो गया फिंगर से। इसके बाद यहाँ पे मैं NYB की दो लिक्विड लिपस्टिक लूँगी, जो कि लाइट शेड में है, और उसको एज आ मैं ब्लश यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं, और इसे भी मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है कि आप जो है कोई मैट, आप अगर कभी भी ब्लश के लिए यूज़ करें तो मैट लिपस्टिक यूज़ करें, अदरवाइज़ वो थोड़ी देर बाद फेड आउट हो जाता है, इसलिए आप मैट यूज़ करें।
और उसको तुरंत ब्लेंड करें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लश का काम कर रहा है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको डैब डैब कर सकते हैं, तो इससे जो है आपका ब्लश जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अगेन मैं सेम लिपस्टिक से एज ए आई शैडो यूज़ करूँगी अपनी आईलिड पे। यहाँ पे मैंने कोई ब्लशर यूज़ नहीं किया, कोई आई शैडो पैलेट यूज़ नहीं किया, और आप देखेंगे अभी कितना अच्छा मेकअप क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल लुक लगेगा। इसके बाद सेम मैं जो है स्विस ब्यूटी के आईलाइनर से एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से आईलाइनर ड्रॉ करूँगी विदाउट बिंग्स, छोटा सा बिंग्स बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, जो कि काफ़ी नेचुरल लुक देगा आपको। अभी आप देखेंगे ऐसा ही मैं दूसरी आईज पे भी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रश जो है एंगुलर यूज़ किया है क्योंकि आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है, और आईलाइनर भी मैंने अफोर्डेबल प्राइस का लिया है स्विस ब्यूटी का जो 2-in-1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईलाइनर हो गया कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का मस्कारा लगा रही हूँ और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है और मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसका जो एप्लीकेटर है ना बहुत अच्छा है। तो मेरे हाथ में, बोलते हैं ना कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो बार बार वही हाथ में लगती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं ब्राइडल मेकअप क्रिएट करूँ तब भी मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ गया ये। इसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ये हाइलाइटर बॉम है एकदम से, मतलब बहुत ही अच्छा, इतना पिगमेंटेड है। स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं गाइज, और इसको मैं अपने ब्रो बोन पे लगाऊंगी, इसके बाद अपने कॉर्नर आई के कॉर्नर एरिया पे लगाऊंगी। ये जो है आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेम हाइलाइटर को अपने चीक पे लगाऊंगी फिंगर की ही हेल्प से, थोड़ा सा नोज़ पे। आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हैं गाइस, बहुत ही नेचुरल लुक लग रहा है। और यहाँ पे चाहे तो आप जो है डार्क लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही नेचुरल लुक रख रहा है और इसलिए मैं जो है एकदम लाइट शेड ही लगाऊंगी। मैं वही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने एज अ ब्लशर यूज़ किया था, एज अ आई शैडो यूज़ किया था, सेम को ही मैं अपने लिप पे भी यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी प्यारा शेड है गाइज, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं ब्लू हेवन के मेकअप स्प्रे को यूज़ करूँगी ताकि मेरा पूरा मेकअप सेट हो जाए। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर लुक अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।